हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हाँ, मैं जानता हूँ अभी आपका कुछ भी सुनने का मूड नहीं है, आप बहुत लो फील कर रहे हो, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि हमारी टीम जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल हार कर न्यूजीलैंड के सामने हार गई है, इतना बुरा खेल के आप सोच रहे हो कि कैसे हो सकता है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, और आप अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि यार काश एक ये सपना निकल जाए और असलियत में ये हो कि टीम जीत के फाइनल में पहुंच चुकी है। बट दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि टीम हमारी हार गई है और वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। तो अभी इस टाइम पे आपको उनको कोसने की बजाय उनका सपोर्ट करना चाहिए, और हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम मैच्योरली बिहेव करें इस मोमेंट पर और एक्सेप्ट करें कि जो टीम अच्छा खेली है वो जीती है और जो टीम ख़राब खेली है वो हारी है। तो इसको एक्सेप्ट करना है हम सभी को, हमारी टीम को। अभी हमारे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला, जब वो टॉप पे थे, जो उन्होंने वर्ल्ड कप का टेबल टॉप किया, तब हमने उनको भरपूर सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया। तो अभी उसी सपोर्ट की, उसी प्यार की उनको डबल ज़रूरत है। तो हमें उनको कोसना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ बुरा बुरा नहीं कहना है, और बस उनको सपोर्ट करना है, उनको चीयर करते रहना है। और ऐसे टाइम में हमको हमारी फैमिली को याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम सक्सेसफुल होते हैं, जब हम अच्छा कर रहे होते हैं, जब लाइफ में कुछ अचीवमेंट मिलती है हमें, जब हम कुछ चीज़ों को अचीव कर रहे होते हैं, तो हमें हमारी फैमिली का, हमारे दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलता है। बट यही दोस्त, यही फैमिली, जब हम लो फील कर रहे होते हैं, जब हम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं, बट हो सकता है कुछ कंडीशंस की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही हो। तो ऐसा ही हमको हमारी टीम के साथ भी करना है, क्योंकि उस टाइम पर जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारी फैमिली होती है, हमको पूरा सपोर्ट करती है, इवन डबल सपोर्ट करती है, हमें चीयर अप करती है और हमें पॉजिटिव बनाती है। तो हमारी टीम को भी अभी इसी सब की ज़रूरत है, और हमको पूरे तरीके से सपोर्ट करना है टीम को। बिल्कुल लो फील मत करिए, क्योंकि ये कोई दुनिया का एंड नहीं हो गया है, इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको बस अपनी टीम में विश्वास रखना है, और आगे बहुत वर्ल्ड कप आएंगे, बहुत मैचेस होंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि यही था, सब कुछ था और यहीं पे सब ख़त्म हो गया है। आप बस अपनी टीम को चीयर करते रहिए, और हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि अभी जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करें और आगे की तरफ देखना है, और बस अपनी टीम को सपोर्ट करिए, चीयर अप करिए। और दोस्तों, ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में हार जीत लगी रहती है। माना अपनी टीम ने आज अच्छा नहीं खेला है, आपको बहुत उम्मीदें रही होगी हमारी टीम से, और बिल्कुल मैं भी श्योर था कि अपनी टीम फाइनल में ज़रूर पहुँचेगी, बट ठीक है, जो टीम बेटर खेली है वो जीती है, और इस बात का बुरा ज़रूर लगा है सभी को, पूरे देश को, और हम सभी का जो दिल है बैठा जा रहा है। बट फिर भी हमको हमारी टीम को सपोर्ट करना है, चीयर करना है, और कुछ भी बुरा बोला नहीं कहना है टीम को। उन्होंने पूरा ट्राई किया है अपनी तरफ से, हर इंसान कोशिश करता है कि वो अपनी टीम को जिताए, सभी ने कोशिश की है। मानता हूँ मैं कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाई आज टीम हमारी, बट फिर भी हमको हमारी टीम का साथ देना है। और ये तो हम लोग हैं जो यहाँ इंडिया में मौजूद हैं या पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद हैं, बट आप ये सोचिए कि जो अपनी टीम वहाँ पर है अभी, उसके सामने जो सिनेरियो है वो क्या फील कर रही होगी। वो लोग अपने आप को कोस रहे होंगे, सोच रहे होंगे काश हम ऐसा खेल लेते, काश हम ये टेक्निक अपना लेते, ये प्लान अपना लेते, या फिर इस तरीके से इस चीज़ को किया जा सकता था, या फिर थोड़ी बैटिंग अच्छी कर लेते, या कुछ और प्लान जो एग्जीक्यूट कर लेते। तो उनके सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल है, तो वो कितना लो फील कर रहे होंगे। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो इंसान खेला है वहाँ पर, उसको अपने आप में कितना गुस्सा आ रहा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बस आप सपोर्ट करना मत छोड़िए और चीयर करते रहिए अपनी टीम को। जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, एंड जितना हो सकता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।